हेलो गाइस, इन टुडेस वीडियो गोना टॉक अबाउट एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका काफ़ी सारे फायदे हैं जो आप उठा सकते हो। शायद आपको पता होगा एंड स्क्रीन क्या चीज़ है, फिर भी मैं बताने वाला हूँ। सो एंड स्क्रीन जो है वीडियो के आखिर में आता है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। इसमें आप अपना दूसरा वीडियो को अटैच कर सकते हो। मानो कोई एक टॉपिक में आप सेकंड वीडियो भी बनाए हो और आप चाहते हो आपका व्यूअर जो है उस वीडियो को भी वॉच करे, तो आप उसमें आपका वीडियो का लिंक डाल सकते हो। आपका सिर्फ थंबनेल दिखेगा, थंबनेल पे आपका लिंक रहेगा जिस पे क्लिक करके वो व्यूअर आपका सेकंड वीडियो भी देख सकता है। सिर्फ वीडियो को अटैच नहीं, आप उस पर अपना सब्सक्राइब बटन को भी लगा सकते हो, जिसको एक बार सिंगल क्लिक करके कोई व्यूअर आपका चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। और तीसरा जो चीज़ है, आप एक प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकते हो ताकि आप आपके व्यूअर को पूरा एंगेज कर सकते हो आपके वीडियो में। तो इससे आपका कई सारे फायदा है, आपको बहुत सारा व्यू मिल जाता है आपके दूसरे वीडियो में, और ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बना के दिखाऊंगा थंबनेल, सॉरी तो आज के वीडियो में मैं आपको बना के दिखाऊंगा एंड स्क्रीन कैसे बनाते हैं। मैं यूज़ करूंगा फ्री कैनवा वेबसाइट का, जो कि फ्री है, और मैं पीसी का यूज़ करूंगा। ये मोबाइल से भी आप कर सकते हो, कैनवा का फ्री ऐप मिलता है, प्रोसेस टोटली सेम है, आप मोबाइल से इजीली कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो माय नेम इज आकाश, यू आर वाचिंग एआर स्मार्ट रिव्यूज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना ब्राउजर जो है उसको ओपन कर लीजिए और वहां से आपको जाना है canva.com में। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं ये सर्च बटन में सर्च करूंगा YouTube। यहाँ पर एंड स्क्रीन नहीं, इसको आउट्रो भी बोला जाता है, तो मैं आउट्रो सर्च करूँगा यहाँ पर OUTRO। तो ये यूट्यूब आउट्रो जो है यही एंड स्क्रीन है, तो इसमें आप मतलब परेशान मत होना कि ये सेम चीज़ है एंड स्क्रीन और आउट्रो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा डिज़ाइन आपको मिल जाता है, ठीक है, आप यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन पिक कर सकते हो। तो देखिए, मेरे को ये डिज़ाइन थोड़ा सा सही लग रहा है, मैं इसको पिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये डिज़ाइन जो है एनिमेटेड होता है, तो इसमें आपको सारी चीज़ मूविंग करता हुआ नज़र में आएगा। तो इसको मैं अगर प्ले करूँ, मैं पहले थोड़ा सा मेरे साउंड को बंद कर लेता हूँ क्योंकि इसमें एक म्यूज़िक है जिसको मैं चलाना नहीं चाहता हूँ, तो मैंने अपना साउंड को बंद कर लिया। तो इसको अगर मैं प्ले करूँगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो इसको ही हम एडिट करके मेरे चैनल के जैसा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या करूँगा, ये वाला फ़ोटो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर मेरा एक फ़ोटो यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं ये वाला फ़ोटो यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लूँगा, जैसे कि देख सकते हो मैं अपने हिसाब से रिसाइज कर चुका हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मेरे को जो चाहिए वो, जैसे ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। हिट सब्सक्राइब, ये वाला मेरे को टेक्स्ट अच्छा लगा, ये चाहिए। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये भी नहीं चाहिए, और हमको सिर्फ सर्कुलर पैटर्न एक चाहिए। यहाँ पर मेरा सब्सक्राइब का जो बटन है वो आएगा, और यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो का सजेशन मैं इसमें डालूंगा वो वीडियो आएगा, ठीक है। तो मैं और एक शेप डाल लेता हूँ ताकि मेरे को दो वीडियो एक साथ दिखाना है। जैसे कि देख सकते हो ये शेप थोड़ा सा 3D तरह का लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पर, नीचे वाला भी मैं एक 3D शेप लगा लेता हूँ। अब मैं इसमें अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। मैं ये जो सर्कुलर मेरा बटन भी रहेगा इसको भी मैं थोड़ा सा 3D बना लेता हूँ। तो मैं इसके जगह ये लगा रखूंगा, इसको कर दूंगा डिलीट। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो ये बटन है ये भी मेरा 3D बन चुका है। अब मैं नीचे दूंगा थोड़ा सा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम सर्च करूंगा, INSTAGIM। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद मैं एक इंस्टाग्राम का बटन लाऊंगा, इसमें डालूंगा। और जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, कोई भी यहाँ से एक टेक्स्ट चूज कर लेंगे, और इसमें मैं ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल दूंगा, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, और इसका कलर जो है मैं थोड़ा सा मैच करने के लिए इसका कलर भी वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो मेरा बन चुका है, ठीक है। तो इसको एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से लगेगा। अभी यहाँ पर ब्लैंक है, वो जब मैं YouTube में इसको अपलोड करूंगा तब मैं इसको डाल दूंगा।
तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल डाउनलोड वीडियो में जाना है, लेकिन याद रहे इसमें एक जो सॉन्ग है वो प्रीमियम का है, ठीक है, तो आप वो नहीं ले सकते, उसके लिए आपको $3 चाहिए, ठीक। बाद में मैं एडिट के टाइम यहाँ पर कोई भी म्यूज़िक डाल सकता हूँ, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो सॉन्ग को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पर जाकर डिलीट बटन दबाना है, तो अपना सॉन्ग जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो म्यूज़िक था इसका वो रिमूव हो गया। तो अभी आप डाउनलोड वीडियो करेंगे और देखिए वो नहीं आ रहा है। तो MP4 में आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको GIF का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप MP4 में डाउनलोड करें तो अच्छा रहेगा। तो मैं MP4 में डाउनलोड कर दूंगा इसको। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा डाउनलोड जो है वो हो चुका है, ठीक है। ये आपको एडिट के टाइम कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर से आप एडिट करते हो उसी पर उसी का आखिर में आपको डाल देना है ये चीज़। तो और इसके नेक्स्ट जो काम करना है वो आपको यूट्यूब में जाके करना है, वो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो मैं जाऊँगा मेरा यूट्यूब स्टूडियो में, तो यहाँ पर से जाऊँगा मैं कॉन्टेंट, चलिए मैं कोई भी मेरा एक कॉन्टेंट को एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा एंड स्क्रीन जो पीछे की तरफ है लगा हुआ है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसी एंड स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लगाने के लिए क्या करना है, मैं तीनों को रिमूव कर लेता हूँ पहले। उसके बाद आपको क्लिक करना है ये वाला एंड स्क्रीन का जो फॉर्मेट है उसमें, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये मानिए कहीं भी होगा तो आप इसको साइज करके आपका जो ब्लैंक जो बॉक्स है उसमें डाल सकते हो। इसका साइज आप यहाँ से बड़े छोटे भी कर सकते हो, अपने जो एंड स्क्रीन आपने बना के रखे हो उसी हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर देना, ठीक है। और ये जो सब्सक्राइब का लिंक है वो आपका ऐसे गोल बटन सा आता है, ठीक है, तो वो अपने जो गोल बटन वहाँ पर रखे हो छोड़े हो तो उसके ऊपर साइज करके इसको रख देना। ये भी आप रिसाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसको करने के बाद आपको सेव बटन में दबाना है, क्लिक करना है, तो आपका जो एंड स्क्रीन है वो सेव हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एंड स्क्रीन मेरा कैसा दिखता है। तो जैसे कि देख सकते हो मैं एंड स्क्रीन मेरा इस तरह का दिखता है। मैं यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकता हूँ, यहाँ से कोई दूसरा वीडियो में भी मैं क्लिक करके जा सकता हूँ, ठीक है। तो यही होता है एंड स्क्रीन का फायदा। सो आई होप यू गाइज आपको समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ था। और अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।